ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है जो राहुल गांधी जी की उस बात पर मुहर लगाती है जहां पर वो ये कहते हैं कि देश के संसाधन और देश की दौलत कुछ ही लोगों ने अपने कब्जे में कर ली है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट का ये कहना है कि देश की 1% मात्र 1% आबादी के पास इस देश की 40% दौलत है और देश के 50% जनसंख्या के पास, मतलब आधी आबादी के पास मात्र 3% देश की दौलत है। अमीरों और गरीबों की यह खाई लगातार बढ़ती जा रही है और इसके बढ़ने का कारण है घटिया नीति निर्धारण जो सिर्फ अमीरों के लिए किया जा रहा है और गरीबों को उनके हाल पर छोड़ दिया जा रहा है। 2020 में बिलियनर्स की संख्या 100 थी, 2021 में 142 हुई और 2022 में वो बढ़कर 166 हो गई। आप ये सोचिए कि इन बिलियनर्स की आय प्रतिदिन 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पर बढ़ रही है। इनकी आय तो इतनी है कि अगर 10 सबसे अमीर आदमियों की आय पर 5% टैक्स भी लगा दिया जाए तो सारे बच्चे वापस स्कूल जा सकते हैं। गौतम अडानी जी के लाभ पर, प्रॉफिट पर 2017 से 2021 में जो हुआ, अगर उस पर टैक्स लगा दिया जाए तो 50 लाख प्राइमरी टीचर्स को नौकरी दी जा सकती है और देश के 100 अमीर आदमियों की वेल्थ आज इतनी हो गई है कि वो देश का बजट 18 महीने तक चला सकते हैं। लेकिन बजाय गरीब को सहायता देने के, गरीब की कमर तोड़ी जा रही, और ये ध्यान से सुनिएगा कैसे, क्योंकि इस देश का हर व्यक्ति टैक्स देता है। जो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो तो हर व्यक्ति दे रहा है और अमीर से अमीर, गरीब से गरीब एक ही रेट दे रहा है। जीएसटी के कुल कलेक्शन का 64% पैसा 50% आबादी से आता है जिनके पास मात्र 3% वेल्थ है। मतलब अगर जीएसटी 100 रुपए कलेक्ट करता है तो 64 रुपए देश के सबसे गरीब 50% आबादी से आता है और सबसे अमीर 10% मात्र 3% का कंट्रीब्यूशन करता है। स्थिति तो और भी भयावह हो जाती है जब आप औरतों को देखते हैं। आज औरतों की स्थिति इतनी दयनीय है कि जो काम पुरुष करके 1 रुपया कमाते हैं औरत 63 पैसे कमा रही है, दलित उसी काम के 55 पैसे कमा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो जो शहर की आमदनी है उसकी वो आधी कमा रहे हैं। लेकिन बजाय नीति निर्माण, बजाय बजट, बजाय पॉलिसीज गरीबों को उबारने के लिए बनाई जाए, अमीरों के लिए ही बनाई जाती है। और ये शायद इस बात से प्रतिबिंबित होता है कि 23 करोड़ लोग आज इस देश में भुखमरी का और गरीबी का शिकार है। मुझे नहीं पता कि मोदी सरकार को और क्या आंकड़े चाहिए और कब तक ये मुगालते में रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान जैसे यंग देश में गरीबी और अमीरी के बीच का बढ़ता फासला एक टिकिंग बॉम्ब है और सरकार को इसका संज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। जन ज्वार जनता की मी